हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम मोलिडिटी का अध्ययन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मोलिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कहते हैं कि एक लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी घोल के एक लीटर या 1000 ml में जितना घुल के मोलों की संख्या सॉल्यूट के मोलों की संख्या उपस्थित होगा, वह घोल उसकी मोलरता कहलाएगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम लिखते हैं। कहते हैं एक लीटर या 1000 ml घोल, मतलब सॉल्यूशन घोल में उपस्थित घुल सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलरिटी कहा जाता है, या इसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी घोल के एक लीटर या 1000 ml में जितना घुल के मोलों की संख्या उपस्थित होता है, वह घोल उसकी मोलरता कहलाता है। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा घुल के मोलों की संख्या बट्टा घोल का आयतन, किसमें? लीटर में, इन लीटर। इसी को शॉर्टकट में हम लिखेंगे कैसे, घुल के मोलों की संख्या को हम एन से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम को भी से, किसका? सॉल्यूशन का। अगर इसको हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा घुल के मोलों की संख्या बट्टा घोल का आयतन इन मिलीलीटर। 1000 से भाग देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए घुल के मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एन बराबर मतलब मोल बराबर होता है दिया हुआ मास, और उसमें हम मोलर मास या मोलिकुलर मास जब डिवाइड करते हैं तो उस पदार्थ की मोल हमें प्राप्त हो जाती है, मतलब क्या, W/m। ये W जो है वेट होगा वह दिया हुआ रहेगा, गिवन होगा, ठीक है, और m जो देख रहे हैं वह मोलिकुलर मास या मोलर मास होता है, ठीक है। तो उसको हम जब वेट में हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो पदार्थ की मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसे ही इसका फॉर्मूला यहाँ के यूज करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी को हम लिख देते हैं इन ml। इसी को अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय, ये नीचे आ जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा कि घोल का जो आयतन जो होता है वह तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान बढ़ाने से घोल की आयतन बढ़ जाएगी और तापमान के घटाने से घोल की आयतन घट जाती है। तो घोल का आयतन होता है, मतलब भी जो होता है वह टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा,
कि घोल की जो मोलरता होगा, मतलब सॉल्यूशन की जो मोलरिटी जो होती है वह टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मोलरिटी जो होता है वह टेम्परेचर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वह सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगा वह घट जाएगा, और टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो घोल की मोलरिटी का मान बढ़ जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि यह तापमान पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो घोलों की मोलरता जो होता है वह तापमान पे निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा घुल के मोलों की संख्या। मतलब किसी पदार्थ की मोलों की संख्या को हम मोल से डिनोट करते हैं, तो मोल होगा इसका, और घोल का आयतन को हम लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आयतन को हम लीटर में सूचित करते हैं ना, तो क्या होगा इसका यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर, या इसी को हम लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स। दूसरा यूनिट आप सिंपल में इसको कैपिटल एम से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे मोलरिटी को हम डीमेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीमेल, उसी को डीमल कहते हैं। ठीक है, इसको हम जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ नया फॉर्मूला इसका। दो घोलों को मिक्सिंग करने पे, दम मिलाने पे, घुलाने पे, दो घोलों को मिक्सिंग करने पर घोल की मोलरिटी, ठीक है, दो घोलों को मिलाने पर घोल की मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, m1V1 + m2V2 = mV1 + V3, या इसको हम जनरली ऐसे भी इसको हम लिखते हैं m = m1V1 + m2V2 / V1 + V2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे होता है, अगर ये चीज़ देखना चाहते हैं तो आपको इसका डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, या ऊपर आप आई बटन पे देखिएगा, वहाँ एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ डिटेल्स में विस्तार रूप से समझाया गया है इस फॉर्मूला को, आप वहाँ आसानी से समझ सकते हैं। आप हमको जनरली में शॉर्टकट में आपको समझा दिया हूँ कि इसकी फॉर्मूला ये होती है, अगर विस्तार से आप सब समझना चाहते हैं तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इस फॉर्मूला के आधार पर आप एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। मतलब क्या, जब दो घोलों को हम मिलाएंगे तो उस घोल की मोलरता, मतलब क्या, रिजल्टिंग ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी अज्ञात घोलों की मोलरता को हम कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1V1 + m2V2 = m × V1 + V2, या इसको हम यहाँ V3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, डायल्यूशन फॉर्मूला। m1V1 = m2V2, तनुता के पूर्व और तनुता के बाद, डायल्यूशन से पूर्व, पहले और डायल्यूशन के बाद का जो फॉर्मूला जो होता है, तो उसकी फॉर्मूला हम इस फॉर्मूला के माध्यम से उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि घोल की डेंसिटी हमें पता हो, डेंसिटी तथा वेट परसेंट, मतलब मास परसेंट अगर हमें ज्ञात हो, तो मोलरिटी क्या होगा,
ठीक है। यदि किसी सॉल्यूशन की किसी घोल का डेंसिटी हमें पता हो और उसका मास परसेंट हमें दिया हुआ हो, तो उसका उस घोल की मोलरता को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर उसमें किसी घोल की डेंसिटी हमें पता हो और उसका वेट परसेंट भी हमें ज्ञात हो, मतलब मास प्रतिशत भी ज्ञात हो, तो उस घोल की मोलरता को ज्ञात करने के लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मतलब 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब किसी घोल की डेंसिटी होगा और ये सॉल्यूट का मास परसेंट दिया हुआ रहेगा और उस सॉल्यूट का मोलिकुलर मास आप ज्ञात कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको बन जाएगा। चलिए कुछ नोट्स याद रखिएगा। जिस घोल की मोलरता अगर एक निकले, मतलब जिस घोल की मोलरता एक हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब वो का किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर 1 mm के बराबर हो तो वह सॉल्यूशन जो होगा वह मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी घोल की मोलरता 2 हो तो उसको हम डाई मोलर सॉल्यूशन कहेंगे या फिर बाय मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। किसी सॉल्यूशन की अगर मोलरिटी 0.5 mm, अर्थात कहने मतलब है क्या 0.5 mm ज्ञात हो तो उसको हम सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, किसी घोल की मोलरता अगर 1/10 mm हो ज्ञात हो, अर्थात 0.1 mm हो, तो उसको हम डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। किसी सॉल्यूशन की मोलरता अगर 1/100 mm के बराबर हो, अर्थात 0.01 mm के बराबर हो, तो उसको हम सेंटी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।